बधाई हो, यूपी बना नंबर वन। दलित उत्पीड़न में यूपी सबसे आगे, महिलाओं पर अत्याचार में भी नंबर वन यूपी। एनसीआर भी 2021 के आंकड़ों से हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। हाल ही में जारी हुए एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़ों से चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एनसीआरबी का काम देश भर में हुई आपराधिक घटनाओं और अपराधियों की जानकारी एकत्रित कर आंकड़े जारी करना होता है। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट से सामने आया है कि यूपी में वर्ष 2021 में महिलाओं पर हुए अपराध के 56,083 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राजस्थान में 40,738 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। नाबालिग बच्चियों के साथ हुई बलात्कार या दुष्कर्म जैसी घटनाओं में भाजपा शासित मध्य प्रदेश नंबर वन पर आया है। नाबालिग बच्चियों से पूरे देश में 33,036 मामले सामने आए हैं, तो वहीं अकेले मध्य प्रदेश में 3,515 मामले सामने आए हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में केवल नाबालिग बच्चियों से ही हर 3 घंटे में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। देश भर में महिलाओं पर केवल बलात्कार के मामलों पर नजर डालें तो राजस्थान की गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दलित उत्पीड़न के सर्वाधिक मामले यूपी में ही सबसे ज्यादा यानी कि 13,146 दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। चाहे यूपी हो या एमपी, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो लगता है कि महिलाओं पर अत्याचार और दलित उत्पीड़न के मामले में एक राज्य दूसरे राज्य से कोई कॉम्पिटिशन कर रहा हो और एक पार्टी दूसरी पार्टी को महिलाओं पर अत्याचार और दलित उत्पीड़न के मामले में आगे निकलने का मिशन बना लिया हो, उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। आप इस खबर और एनसीआरबी द्वारा जारी किए आंकड़ों पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।